भारत में मजदूर आंदोलन का इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। जब जब देश के अंदर जनवाद पर हमला किया गया, साम्राज्यवादी ताकतों ने जब जब हमला किया, अगर आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो चाहे नागपुर का मजदूर कैसा आंदोलन हो, चाहे मद्रास का कैसा आंदोलन हो और चाहे बम्बई का कैसा आंदोलन हो। तो ये बहुत मुश्किल घड़ी है मेरे लिए, लेकिन फैज साहब का जिक्र हुआ और हमें मालूम है कि पाकिस्तान में आज़ादी के बाद ख़ास तौर से वहाँ कम्युनिस्ट ने कहीं ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजारा है। हमें थोड़ी सी राहत थी यहाँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में सेक्युलरिज्म और साइंटिफिक टेंपर शायद होता ही नहीं और उसके ऊपर बात ही नहीं होती अगर कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म ना हुआ। हमें इस 75 साल तक जो डेमोक्रेसी चलती रही मुल्क के अंदर, अगर पाकिस्तान के साथ हम उसे कंपेयर करें तो ये साफ दिखाई देता है कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी बनाने में वक्त लगा, बहुत वीक थी और उनके ऊपर हमला बहुत तेज था। अगर यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ना होती और उसका इतिहास ना होता इतना लंबा, तो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी भी नहीं चल सकती थी। इसलिए फैज साहब की एक खूबसूरत नज़्म जिसमें शुरू की लाइनों में ही आता ही है, दो लाइनें, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, इन लाइनों से प्रेरणा लेकर एक नज़्म आपके लिए। जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, जब सुने थे ये मिसरे तो क्यों था गुमा, जर्द पत्तों का बन फैज का देश है, दर्द पत्तों का बन फैज का देश है, दर्द की अंजुमन फैज का देश है। बस वही देश है जो कि तारीख है, बस उसी देश तक है खिजा की डगर, बस वही देश है दर्द पत्तों का बन, बस वही देश है दर्द की अंजुमन। मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश में दर्द पत्तों के गिरने का मौसम, मुझको क्यों था यकीन के मेरे देश तक पतझड़ों की कोई राहगुजर ही नहीं, इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे अभी बरसात आने पे धुल जाएंगे, इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे अभी बरसात आने पे धुल जाएंगे। अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, धड़कने जिंदगी की है रुक सी गई, खंजरों की जबान रक्स करने लगी, फूल खिलने पे पाबंदियां लग गई, कतलगाहें सजाई गई जा बजा और इंसाफ सूली चढ़ाया गया, खून की प्यास इतनी बड़ी आखिरश जामुमीना लहू से छलकने लगे, नाम किसके करूं इन खिजानों को मैं, किससे पूछूं बहारें कहां खो गई, किससे जाकर कहूं, सर्द पत्तों का बनना मेरा देश है, दर्द की अंजुमन मेरा देश है। ऐ मेरे हम नशीन, सर्द पत्तों बन दर्द की अंजुमन, आने वाले सफीरों में किस्मत नहीं, ये भी सच है कि उस फैज के देश में चांद कितना भी झुलमक के घेरे में हो, नूर उसका बिखरता है हर शब वहां, बाबा जोड़ा सही भी सच है यही, जिंदगी अभी रक्षा है उस देश में, कतलगाहें सजाई गई जा बजा, गाजियों की भी कोई कमी तो नहीं, और मेरे देश में रात लंबी सही चांद मध्यम सही फिरी है ये यकीन, रात लंबी सही चांद मध्यम सही फिर भी है ये यकीन, सुबह बाजे पहने हुए आएगी, रंग पड़ेगा बहारों खिजानों का जब, रंग बिखरेंगे और रात ढल जाएगी, जर्द पत्तों का बन भी सिमट जाएगा, दर्द की अंजुमन सिमट जाएगी।
कहीं तो स्वर्ग झुक के पूछता ही होगा है फलक, ये कैसी सरजमीन है, ये कौन लोग थे यहां। कभी तो स्वर्ग झुक के पूछता ही होगा है फलक, ये कैसी सरजमीन है, ये कौन लोग थे यहां, जो जिंदगी की बाजियों को जीतने की चाह में लुटा रहे थे बेझिझक लहू के सब अशर्फिया। यहां लहू लहू के रंग में आया था किस तरह, न सब्ज था न केसरी न था सलीब का निशान, न राम नाम था यहाँ न थी खुदा की रहमतें, न स्वर्ग इनकी मंजिलें न नरक का सवाल था। मसीहो गौतमो रसूल कृष्ण कोई भी नहीं कि जिसके नाम जाम पी के मस्त हो गए हो सब, ये कौन सी शराब थी कि जिसका ये सुरूर था, ये किस तरह की मस्तियों में इस कदर गुरूर था, ये किस तरह यकीन हो कि एक मुश्तखाब थी जो जिंदगी की मांग में बिखर गई इसी रूर सी। इन्हें यकीन था कि इनके दम से ही बहार है, ये कह रहे थे हमसे ही बहार पर बिखार है। ये क्या हुआ कि ये पलक सब खामोश हो गए, यहां पे धूल क्यों पड़ी, ये जख्म भर गया है कि मुझे यकीन है कि फिर यहीं इसी मकाम से, मुझे यकीन है कि फिर यहीं इसी मकाम से उठेगा हश्र जी उठे ये सारे नरम ख्वाब, फिर बराबरी का सब चुनू सिमट के फिर से आएगा, बिखेर देगी जिंदगी की हीर अपनी जुल्फ को, यहीं से उठेगी सदा के खुद पे तू यकीन कर, यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला बार आएगा, यहीं से भारत के नागरिक दिल्ली के अंदर बसते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बनना पड़ती है वामपंथी। दिल्ली में पार्टी को मजबूत होना, व्यापक पंचों के आधार पर संघर्ष को आगे बढ़ाना, यह हमारी मुहिम शुरू हो गई है और इसको आगे तेज करना। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो हमने भी पढ़ा, हम तो चूंकि मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए हैं रहे हैं, कि जैसे हमने प्रेरणा लेकर के हम लोग पार्टी में आए और आज उस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, कि भारत में मजदूर आंदोलन का इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। जब जब देश के अंदर जनवाद पर हमला किया गया, साम्राज्यवादी ताकतों ने जब जब हमला किया, अगर आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो चाहे नागपुर का मजदूर टेक्सटाइल का आंदोलन हो, चाहे मद्रास का टेक्सटाइल आंदोलन हो, और चाहे बंबई का टेक्सटाइल आंदोलन हो, और एक बार दिल्ली का भी संपूर्णता के आधार पर पूरा टेक्सटाइल आंदोलन पूरे भारत में जो मजदूर आंदोलन ने आगे बढ़ करके उस जनवाद पर पड़ने वाले हमले के रोकने के लिए राजनीतिक संघर्ष का हड़ताल करके संघर्ष का जो नारा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के चूल्हे हिला दी थी। आज जरूरत है दिल्ली के इर्द गिर्द फैले हुए तमाम व्यापक औद्योगिक क्षेत्रों में आगे जाने का, बढ़ने का, अपनी मानव क्षमता को आगे उठाने का। जब भी सरकार का हमला आता है हमें दिल्ली के अंदर आगे बढ़कर खड़े होने का ये अब वक्त आ रहा है। अगर हम सक्रिय नहीं हुए, एक्टिव नहीं हुए, पार्टी को मजबूत करने में अगर कमजोरी दिखाए तो हमला करके हमला और निकल जाएगा, हम ताकते रह जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जहां हम हैं वहां के जनता के सवालों को लेकर स्थानीय सवालों को निशानदेही करिए, सवालों को ऊपर खड़े होइए। अगर आप अकेले हैं तो अकेले ही खड़े होना शुरू करिए, इसके बाद देखिए कि आप हमारी ताकत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, और पूरी पार्टी दिल्ली पार्टी इस प्रयास में लगी हुई है। तो मुझे ज्यादा कुछ और नहीं कहते हुए, क्योंकि समय भी हो रहा है, हमें अपने महासचिव कांग्रेस सीताराम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही कांग्रेस हमारे साथी को गजल ने उन्हें पढ़ा है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।